आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है और बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई लड़का है या लड़की है, किसी को मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फर्क दोनों को पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज का जो टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस चीज को समझते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्त एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि आजकल फैशन हो चुका है और ऐसे समझ सकते हो कि हर किसी का नीड हो गया, जरूरत हो गया, शायद उसके बारे में कुछ सही ढंग से जानते हैं या नहीं जानते हैं, फिर भी उस काम को किए जा रहे हैं। आज उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा, स्पेशली कुछ चीज़ों को क्लियर करूंगा। आप लड़का हो या लड़की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हर के लिए सेम कंडीशन अप्लाई होता है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक क्लियर करता हूँ, टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक स्पेशली आज रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूँ और स्पेशल मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप को, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, बहुत सारे बंदी ऐसी है कि आज के टाइम में ट्रेंडिंग हो गया है, एकदम ट्रेंड में चल रहा है कि यार दोस्त अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनना ही चाहिए, अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो बॉयफ्रेंड बनना चाहिए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही बात है, बनाओ या कुछ भी करो, बनना चाहिए। मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता हूँ लेकिन कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ, उस चीज को समझ लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर रिलेशनशिप में हो तो सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर सही में तुम्हारे साथ इन सब चीजों को किया जाता है तो तुम्हारा रिलेशनशिप किस लेवल पे है सही तरीके से पता कर पाओगे। तो स्पेशली जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। कैसे पहचानोगे कि तुम्हारा प्यार झूठा है या सच्चा है, तुम्हारा रिलेशनशिप झूठ है या सच है, जिसके साथ भी रिलेशन में हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रिलेशन हमेशा दो व्यक्ति के बीच में ही होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं स्पेशली किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ, इसलिए रिप्रेजेंट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं स्पेशली रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उन कुछ चीज़ों को क्लियर करूंगा, आप सही से उन सब चीज़ों को समझना। अगर ऐसे बात करूं तो स्पेशली पांच चीज़ों को क्लियर करूंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पांच टॉपिक को क्लियर करूंगा, आप पांचों को समझना कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर सही में आपके रिलेशन में ऐसा कुछ होता है तो 100% कन्फर्म हो जाओ कि सामने वाला तुमको डिच करने वाला है और सामने वाले से तुमको लात पड़ेगी, जो भी है ब्रेकअप हो, जो भी तुम समझ सकते हो अपने लैंग्वेज में, क्योंकि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम बहुत ही सही तरीके से समझ सकते हो कि क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। तो पांच चीज़ों को क्लियर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझना, हर एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो 100% कन्फर्म हो जाओ कि तुम्हारा रिलेशनशिप गलत है या झूठा है, क्योंकि दोस्त कोई भी रिलेशन अगर झूठा होता है तो लॉन्ग टाइम तक नहीं सर्वाइव कर सकता है और लॉन्ग टाइम तक तुम उसमें सर्वाइव कभी भी नहीं कर पाओगे और किसी भी रिलेशन को तुम लॉन्ग टाइम तक नहीं लेके जा सकते हो। स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात कर रहा हूँ तो स्पेशली उस चीज़ में समझना है क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। अगर सही में तुम पहचानना चाहते हो, सही में पता करना चाहते हो कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा है तो कुछ चीज़ों को क्लियर करता हूँ, समझना। अगर तुम्हारे रिलेशन में ऐसा कुछ हो रहा है तो 100% कन्फर्म हो जाओ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। सबसे पहले नंबर चीज, उस चीज को समझना कि मैं क्या समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर में आता है फ्यूचर प्लानिंग। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब समझते ही हो कि क्या होता है। अगर आप सामने वाले के साथ रिलेशन में हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशन में होता है और एक लड़की एक लड़के के साथ रिलेशन में होती है। अगर आपका रिलेशन ऐसा है, अगर आपके रिलेशन में कभी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है तो 100% कन्फर्म रहना दोस्त कि रिलेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि दोस्त जिस भी रिलेशन में प्रॉब्लम होता है, किसी को अगर एक दूसरे के ऊपर डाउट होता है या एक दूसरे को डिच करना रहता है तो उस रिलेशन में कभी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है। जब भी तुम फ्यूचर की बात करोगे, इधर उधर की बातें होगी, जब भी तुम सामने वाले से शादी वादी के बारे में बात करोगे, सामने वाला तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड कभी भी नहीं होगा। तो दोस्त अगर ऐसा तुम्हारे साथ कुछ होता है तो संभल जाओ, क्योंकि ये स्टार्टअप है और इसका एंड अप तो तुमको पता ही है कि क्या होता है। तो दोस्त अगर ऐसा कुछ होता है तो स्पेशली इन सब चीज़ों को समझना, और आपके रिलेशन में होता है तो आपका रिलेशन कितना ज़्यादा दूर तक
जाने वाला है। तो पहले नंबर चीज को समझ गए कि पहले नंबर में क्या क्या होता है। अगर पहले नंबर को सही ढंग से समझ लिए हो तो दूसरे नंबर को क्लियर करता हूँ, दूसरे नंबर में क्या आता है। दूसरे नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है उस चीज को समझना, सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करूंगा क्योंकि अगर सामने वाले के साथ रिलेशन में हो तो हमेशा अगर सामने वाला आपके रिलेशन में उस चीज के बारे में बात करता है जैसे सेक्स वक्स के बारे में बात करता है और उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, आपके टाइम हर टाइम और हर जगह आपसे बस इसी चीज के बेस पे बात करता है और हर टाइम आपको फोर्स करता है इस काम को करने के लिए, तो हमेशा समझ लेना दोस्त कि उस रिलेशन में कुछ भी नहीं है, बस वही एक चीज कॉमन है जो होगा, एक दूसरे का जरूरत खत्म होगा, चाहे जरूरत किसी का भी हो, आपका हो सकता है या सामने वाला का हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लेना दोस्त कि ये भी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं जाने वाला, क्योंकि इंसान का टेस्ट बदलते रहता है इंटरेस्ट के साथ साथ। जब तक इंटरेस्ट रहेगा तब तक टेस्ट है और जब तक इंटरेस्ट खत्म होगा तो टेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्त अगर ऐसा कुछ होता है तो सतर्क हो जाओ। तीसरे नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझते हो क्या होता है, अगर आपके और सामने वाले के बीच में किसी भी बात को लेकर सही तरीके से बात नहीं होता है या आप एक दूसरे को सही तरीके से नहीं समझ पाते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चीज को समझना, आपके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपका रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला है। चौथे नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझना है, कंडीशनल लव। आप इस चीज को समझते हैं, शायद वर्ड थोड़ा नया होगा लेकिन इस चीज को समझना कि क्या होता है, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, कंडीशनल लव। अब कंडीशनल लव का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी रिलेशन है या आपका जो भी प्यार है किसी न किसी कंडीशन बेस पे है और किसी न किसी कंडीशन के रिगार्डिंग है। ऐसे समझो हिंदी में मेरे तरीके से कि अगर आपका जरूरत कोई है तब तक आप उसके साथ हो, आपका जरूरत खत्म तो आपका और उसका साथ भी खत्म। कंडीशनल लव का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के रिगार्डिंग कोई ना कोई कंडीशन कि तुम मेरा जरूरत पूरा करो, मैं तुम्हारा जरूरत पूरा करता हूँ। तो दोस्त अगर ऐसा कुछ होता है तुम्हारे साथ तो यहाँ पे कोई प्यार नहीं होता है। पांचवे नंबर में जो चीज आता है उस चीज को समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज को अपन समझते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब समझते हो कि सामने वाला आपको कंट्रोल करेगा, हमेशा आपको बदलना चाहेगा, क्योंकि दोस्त अगर सही से समझो तो कोई अगर सही ढंग का रिलेशन है और सही में कोई एक दूसरे को प्यार करता है तो कभी एक दूसरे को बदलना नहीं चाहता है, जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंडीशन अलग हो जाता है, यहाँ पे कंट्रोल नामक चीज आ जाता है जिसको सामने वाला हमेशा एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है और एक दूसरे को बदलना चाहता है, चाहे उसके साथ कोई ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी का कोई बैड हैबिट है, किसी का कोई गुड हैबिट है तो हमेशा उस चीज को बदलना चाहता है कि तुम इस काम को करना छोड़ो, उस काम को करना छोड़ो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, हमेशा कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे रिलेशन में अगर सामने वाला तुम्हारा पार्टनर तुमको कंट्रोल करता है तो 100% समझना दोस्त कि यहाँ पे वो रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला है। तो कुछ पांच चीजें थी जिसको मैंने क्लियर किया, आप सही से समझ सकते हो कि सही में जो रियलिटी ऑफ लव होता है क्या होता है और जो बेफालतू का जो बकवास चलता है वो क्या होता है। आप हर चीज को सही से समझ सकते हो और समझने के बाद सही ढंग से डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।